हे एवरीवन, वेलकम टू कुक मेंटोर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान शुरू हो चुके हैं, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी वेज कटलेट की रेसिपी। जैसे कि हम जानते हैं कि इफ्तारी के लिए बहुत कम टाइम रहता है, हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है, तो आप इसे आसानी से बहुत जल्दी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और आज की हमारी ये वेज कटलेट की रेसिपी को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल कुक मेंटोर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी ईजी से रेसिपी लेके आऊँ तो सबसे पहले आपको पता चले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बाउल में ले लिया ये आलू। तो ये 4 से 5 उबले हुए आलू है जिन्हें मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर। तो ये 2 से 3 गाजर है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। आप चाहे तो गाजर को चॉप करके भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं एक छोटा बाउल मटर का ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं डालेंगे इसमें हरी मिर्च, ये 2 से 3 हरी मिर्च है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही मैं डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं या फिर दोनों भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ ब्रेड। आप चाहे तो ब्रेड क्रम का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें बेसन का आटा या मैदे का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्रेड डालने से जो कटलेट है वो ज़्यादा ऑयल भी सोक नहीं करती है और क्रिस्पी बनते हैं। तो हाथों से ब्रेड को क्रश कीजिए और डाल दीजिए इस तरह से। अब जो हम कटलेट के लिए जो हमने मिक्सचर तैयार किया है इसे मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। सभी मसाले और जो हमने जो वेजेस डाल दिए हैं एक साथ मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो आलू है उसमें ऑलरेडी जो है वो मॉइस्चर होता है। अगर आपको लगे कि आलू का जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा गीला है तो इसमें आप और थोड़े से ब्रेड ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें चेक करना है कि बराबर से टिकिया बन रही है या नहीं। तो यहाँ पर जो मिक्सचर है वो मेरा परफेक्ट है और अब मैं इसकी टिकिया बना लेती हूँ, यानी कि हमें कटलेट्स बनाने हैं इसके। तो यहाँ पर हमारी कटलेट्स बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं, लेकिन फ्राई करने से पहले इसे हम कोटिंग लगाएंगे। तो इसे कोटिंग देने के लिए यहाँ पर मैंने मैदे का घोल बना लिया है और इस तरह से हमें डिप करना है कटलेट को। और ये जो है साइड में हमने ये ब्रेड क्रम तैयार किया है ब्रेड को पीस कर, तो बस इसे इस तरह से कोट कर लेना है। कोटिंग लगाने से जो आपका जो आउटर लेयर है कटलेट का बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो हमारे कटलेट यहाँ पर तैयार है, हम इन्हें फ्राई करते हैं। तेल को मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें हम कटलेट फ्राई करेंगे। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। एक बार में आपके जितने कटलेट आ जाए आपके कढ़ाई में उतने आप डाल दें। इन्हें हमें तुरंत पलटना नहीं है, थोड़ा सा हमें इन्हें सेटल होने देना है, अच्छी तरह से नीचे से क्रिस्पी होने देना है, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो यहाँ पर नीचे से क्रिस्पी हो चुके हैं हमारे कटलेट्स, तो इन्हें हम पलट देते हैं। बहुत ही बढ़िया बनते हैं, आप ज़रूर इसे इफ्तारी में बनाएं और सभी के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर हमारे कटलेट बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। चलिए अब इन्हें निकालते हैं प्लेट में और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। लीजिए, तो तैयार है हमारे ये बहुत ही क्रिस्पी से और यम्मी से ये वेज कटलेट्स। देखा आपने कितने क्रिस्पी बने हैं। आप चाहे तो इस तरह से मेयोनीज डालकर आप सर्व कर सकते हैं। तो बस देर किस बात की, जाइए किचन में और शुरू हो जाइए और आज के इफ्तार के लिए ज़रूर बनाइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कुक मेंटोर को। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।